वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी हवे 15 तारीखे एक ज दिवस माटे कच्छ आवी रह्या छे। आ पहेला वडाप्रधान 14 ने 15 डिसेम्बर एम बे दिवस माटे कच्छ आववाना हता अने धोरडो खाते रात्रि रोकाण करवाना हता, परंतु हाल जे विगतो मळी रही छे ते प्रमाणे पीएम मोदीए कच्छनो प्रवास टूंकावी दीधो छे अने हवे तेओ 15 डिसेम्बरे एक दिवस माटे कच्छनी मुलाकात लेशे अने धोरडो खाते रात्रि रोकाण पण नहीं करे। वडाप्रधान मोदी कच्छमां बे प्लांटनुं खातमुहूर्त करवाना छे। कच्छना मांडवी खाते खारा पाणीने मीठू करवा माटेना डिसएलिनेशन प्लांट अने खावड़ामां खानगी कंपनीना 30,000 मेगावॉट सोलार प्लांटनुं खातमुहूर्त प्रधानमंत्रीना हस्ते करवामां आवशे। आज रूपाणी सरकार की कैबिनेट की बैठक योजा जेमा कोरोना संक्रमण वैक्सीन की वितरण व्यवस्था पर चर्चा थे। आ सीवाय पीएम कच्छ प्रवास और शिक्षकों ग्रेड पे अंगे चर्चा कर उपरांत राज्य में महानगरपालिका और पालिका में वहीवटदारों की निमणूक मुद्दे पर चर्चा कर। राज्य में आगामी 10 और 11 डिसेम्बरे वरसाद की आगाही व्यक्त कर वेस्टर्न डिस्टर्बंस कारण सौराष्ट्र दक्षिण और मध्य गुजरात में वरसाद की आगाही। आगामी 5 दिवस राज्य में ठंडी प्रमाण सामान्य रहेशे। राजकोट में आवतीकाले 3 लाख लोग ने पानी नहीं मळे। वोर्ड नंबर 2, 3, 7, 14, 17 और 18 में पानी कपरे। कोठारिया विस्तार में पानी की लाइन जोड़ाण की कामगिरी करता ढेबर रोड, जुबेली जंक्शन और लाल बहादुर सहित विस्तार थशे प्रभावित। राज्य में भीषण आग लागवानी घटनाओं सिलसिलो यथावत है। अमदावाद की खानगी कंपनी में मोड़ी रात्रि 1 वाग्या आसपास आग लागवानो बनाव बन्यो। वटवा विंजोल रेलवे फाटक पास आवेली मातंगी एंटरप्राइज और जैक्सन नामनी केमिकल कंपनी में भीषण आग लागी, जेमां आसपासनी 4 मड़ीने कुल 6 जेटली कंपनी में आग फैलाई हती। आग एटली विकराळ हती कि दूरथी आकाश में आगनी ज्वाळाओ देखाई रही हती अने आगना कारणे केमिकलना जत्थामां थयेला धड़ाका ईसनपुर सुधी संभळाया हता। फायर ब्रिगेडे मेजर कॉल जाहेर कर्यो हतो। 40 फायर टैंकर और 100 जेटला जवानोए आग पर काबू लेवाना प्रयत्न कर्या हता अने 3 कलाकनी भारे जहमत बाद आग पर काबू मेळवी लेवाता स्थानिकोए हाशकारो अनुभव्यो हतो। सदनसीबी घटनामां कोई जानहानिना अहेवाल नथी मळ्या। राजकोट धोराजी यार्ड में कपासी 4,000 जेटली कपासनी घासड़ीनी आवक। यार्ड में खेडूतो अने वेपारीओ वच्चे जोवा मळ्यो सोशियल डिस्टन्सनो अभाव। धोराजी में अत्यार सुधी 1600 कोरोनाना केस आवी चूक्या छे। अमदावाद एरपोर्ट में प्रीपेड टैक्सी में 150 वधु चार्ज चूकवो पड़शे। खानगी कंपनीए एरपोर्ट हवालो संभाळता मनमानी शुरू करी। खानगी कंपनी टैक्सी ऑपरेटर पासेथी ट्रीप दीठ भाड़ू वसूलशे अने एनाथी टैक्सी चालकों में नाराजगी। पॉप्युलर बिल्डर ने त्यां पड़ेला आवकवेरा दरोड़ा में चौंकावनारो खुलासो सामे आव्यो छे। बिल्डर रमण पटेला ग्रुप में बीजा लोगोना नामे जमीन अने मकानो खरीदवामां आवता इन्कमटेक्सी तपास में 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी एटेच कराई। वडोदरा नजीक 3 बाळकोना मृतदेह मळी आव्या। करजण तालुकाना कोलियाद गामे रात्रे 3 बाळको गुम थया हता अने गाममां आवेला तळावमांथी 3ना मृतदेह मळी आवता चकचार। बोटाद गतड़ा गोपीनाथजी मंदिरना चेरमेन हरिजीवन स्वामीए पोलीस फरियाद नोंधावी छे। आचार्य पक्षना एसपी स्वामी अने घनश्याम वल्लभदासजी अने पार्षद रमेश भगवत सामे फरियाद नोंधाई छे। हरिजीवन स्वामीए गाड़ो बोली लाफो मारी जानथी मारी नाखवानी धमकीनो फरियादमां उल्लेख कर्यो छे। विश्वमां 9 डिसेम्बरे लांच रिश्वत विरोधी दिननी उजवणी करवामां आवे छे। कोरोनानी वर्तमान स्थितिने जोता गुजरातमां चालू वर्षे वर्च्युअल उजवणी करवामां आवशे, जेमां मुख्यप्रधान विजय रूपाणी, गृह राज्य प्रधान प्रदीपसिंह जाडेजा सहित एसीबीना अधिकारीओ हाजर रहेशे। एसीबीनी वेबसाइट परथी लाइव निहाळी शकाशे। वडोदरा में सावली आंगनवाड़ी में आपता लूट ने बारोबार वेचवानो कौभांड सामे आव्यो। सावली पोलीसे जत्थो जप्त करीने बे लोकोनी अटकायत करी अने विविध ब्रांडना कुल 500 पैकेट पोलीसे जप्त कर्या छे। महत्वनुं छे के आंगनवाड़ी में बाळको गर्भवती महिलाओं तेमज कन्याओं शारीरिक रीते मजबूत करवा माटे लूट आपवामां आवतो होय छे। दबाण हटावाना मामले भावनगर महानगरपालिकानी बेवड़ी नीति जोवा मळी रही छे। शहेरना जुदा जुदा रोड परथी गैरकायदेसर दबाणोनो सफायो करवामां आव्यो छे, परंतु बोर तळावना दबाण हटावा मनपानी उदासीन वलण जोवा मळी रह्यो छे।
રાજ્યમાં અકાળે મૃત્યુ થતા સિંહોના મામલે જાહેર હિતની અરજીમાં ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી. રેલવે લાઇનને લઈને એમિક્સ ક્યુરીએ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો વાંધો. રેલવે લાઇન નાખવામાં આવશે તો સિંહોના અકાળે મૃત્યુ થઈ શકે છે. પંચમહાલના ગોગંબાના કાંટાવેડા ગામે દીપડાએ બાળક પર હુમલો કર્યો હતો. દીપડાએ હુમલો કરતા બાળકનું મોત થયું. ઘટના સ્થળના પગલે ગામમાં દહેશતનો માહોલ ફેલાયો. રાજકોટના ઉપલેટામાં પ્રેમ પ્રકરણમાં છરીના ઘા મારીને હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. ઉપલેટાના સતદેવી દાસપરામાં રહેતા યુવકની હત્યા કરવામાં આવી. પ્રેમ પ્રકરણની શંકાએ હત્યા કરી હોવાનું અનુમાન ઉપલેટા પોલીસે વધુ